शोभा वधवा कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली, साबूदाने और नारियल की नमकीन। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यह नमकीन व्रत में भी खाई जा सकती है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इसे बनाना बड़ा ही आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी कच्ची मूंगफली के दाने, 1/4 कटोरी मोटा साबूदाना, थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है जिसे काट लिया है, 1/4 चम्मच नमक लिया है, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच काला नमक लिया है और 1/4 चम्मच काला मिर्ची पाउडर लिया है, और तलने के लिए तेल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली के दानों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और इस तरह से मसल लेंगे थोड़ा सा। पांच मिनट तक हम इसी तरह से रहने देंगे, उसके बाद तलेंगे। तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, फ्लेम को हाई रखेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे तल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम तलेंगे मूंगफली के दाने। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे इस तरह से। ब्राउन होने तक इसे इसी तरह से तलते रहेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। अब ये बन गए हैं, इनका कलर भी बदल गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसी में ही साबूदाने के तलेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, इसे भी लगातार चलाते रहेंगे इस तरह से। इसे जब तक तलेंगे जब तक ये पूरा फूल जाएगा। फ्लेम को लो कर देंगे। देखिए ये तल गया है। कितना फूल गया है ये। अब इसे इसी प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम को लो रखा हुआ है, अब इस लो फ्लेम में ही मैं डालूंगी कटा हुआ नारियल। इसे लो फ्लेम में ही तलेंगे हम, हाई फ्लेम में करने से ही जल जाएगा। नारियल हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। सारी नमकीन को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, नमक, मिर्ची पाउडर, काला नमक, अमचूर पाउडर, काली मिर्ची पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। मसाले अच्छे से इस पर लिपट गए हैं। अब इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। नमकीन अच्छे से ठंडी हो गई है और बहुत ही अच्छी सिकी है ये। साबूदाना भी अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिका हुआ है। आप इसे 15 से 20 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। और इसे बनाने में मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।